अनोखा जीवन, सभी धर्मों के पुजारियों के जीवन पर आधारित धारावाहिक, जिसमें आप परिचित होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन पुजारियों से, उनकी पूजा के प्रकार से और उनके संघर्षपूर्ण जीवन से। देखना न भूलिए। पश्चिमी सभ्यताओं में और भारत की सभ्यता में एक विशेष अंतर है जिसका संबंध महिलाओं से है। पश्चिमी सभ्यताओं में पिछली शताब्दी के आखिरी दशकों में और इस शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं को एक जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकार पाने के लिए, मर्दों की अपेक्षा बराबरी पाने के लिए। इसे कुछ लोग कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट या वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। लेकिन भारत का इतिहास अनोखा है। यहां पर शुरू से ही महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। महिलाओं को कभी इंफीरियर या सेकंड क्लास ट्रीट नहीं किया गया है। इसीलिए भारत में शायद वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट कभी नहीं हुआ। यदि आप भारतीय इतिहास से वाकिफ हैं तो कुछ नाम तुरंत आप याद करेंगे। रजिया सुल्ताना का नाम, रानी झांसी का नाम, रानी पद्मिनी का नाम। फिर भारत का स्वाधीनता संग्राम आरंभ हुआ जब महात्मा गांधी ने नारा दिया स्वाधीनता आजादी, और इस स्वाधीनता के संग्राम में महिलाओं का योगदान एक विशेष महत्व रखता है। आजकल इतिहास लिखने वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि महिलाओं ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा ना लिया होता तो भारत को आजादी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जितनी आसानी से वो मिली है शायद ना मिलती। और आज की भारतीय महिला उसे आप सेना में पाएंगे, वायुसेना में देखेंगे, नेवी में देखेंगे, पुलिस में देखेंगे, वकील के रूप में देखेंगे, जज के रूप में देखेंगे, मंत्री के रूप में आपने देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में आपने उसे देखा है। आजादी के बाद से धीरे धीरे भारतीय नारी ने अपने ओढ़े हुए कलेवर को फेंकना शुरू किया, और अब वो 21वीं सदी पर जब दस्तक देने को आमदा है तो उसने एक नई भूमिका निभाई है। महिलाएं अभी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी चाहती हैं, और परिवार के बाहर भी निकल के देश के काम में शामिल होना उनका हक है और उनकी आशा भी है। मेरा तो ये ओपिनियन है कि पहले स्वावलंबन यानी अपने पांव पे खड़ा होना पड़ता है, और ये जो लाचारी और ये बेसहारापन है इसको फेंकना पड़ता है, और ये बहुत आसानी से फेंके भी जाते हैं, और सिर्फ हिम्मत चाहिए, थोड़ी जुर्रत चाहिए। हमसे पहले कहा जाता था कि आप सीना पुरोना सीखिए, खाना बनाना सीखिए, क्योंकि आपको पराए घर जाना है। लेकिन आज की महिलाओं के पास इसका विकल्प है। आज की महिला डॉक्टर भी है, पायलट भी है, और ऐसे सभी कार्य कर सकती है जिसमें आत्मविश्वास और लगन हो। यदि आज हमारे पास कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो हम उससे पूरी तरह आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए कोई भी करियर चुन सकते हैं। जमाना में औरत घर के बाहर नहीं जाते थे, घर के बाहर अंधेरा के बाद वो कुछ बाजारी किस्म के औरत ही घूमते फिरते थे, अच्छे घर के लोग घूमते नहीं थे। लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया, बहुत ही औरत काम करते, कोई जैसे पुलिस में है, पुलिस में भी ड्यूटी का कोई समय नहीं है, या एयरलाइंस में है जो शिफ्ट ड्यूटीज होते हैं, या जर्नलिस्ट है जो रात को 12-1 भी बज जाते। मुझे शौक था बहुत कुछ अपने कपड़े बनाने का, और बचपन का मतलब मैं 10-12 साल की थी जब से मैं चाहती थी कि दर्जी ना बनाए, हमारे घर में सब बहनों के दर्जी आके बना लेते थे हर 2-3 महीने, तो मैं अपने अलग लेकर और मैं काटती थी, और चाहे काफ़ी नुकसान होता था कपड़े का, पर आखिर में चीज़ जो बन जाती थी मुझे बड़ा शौक, और मैं बहुत प्राउडली खुशी से पहनती, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। घर की चार दीवारी में रहने वाली औरत अब बाहर भी निकल कर कुछ कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कुछ करे, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जिस गोद में आने वाली नस्लें पलें वो गोद समझदार हो, वो हाथ जो झूले को हिलाएं, वो ज़ुबान जो लोरियाँ सुनाएं, वो खुद पढ़ी लिखी हो, ताकि वो आने वाली नस्लों की सही तरीके से तरबियत कर सके। खिल जाएंगे
मर जाए कलिया, प्यार से इन्हें सींचोगे जो अगर मिल जाएगी इन्हें भी कोई मंजिल, सही राह इन्हें दिखाओगे जो अगर आइए इनकी दुनिया में रोशनी करें, इस बचपन में शिक्षा के रंग भरें। ये बच्चे तो रूप हैं भगवान का, नाम न दो इन्हें दास या गुलाम का। ज्यादा बोझ से ये हो जाएंगे निर्बल, होंगे शिक्षा की रोशनी से ये आत्मनिर्भर। इनके ही हाथों में होगा ये वतन कल, कौन जाने इनमें से कौन होगा भारत रत्न कल। एक कोड़ है, इसे समाज में पनपने मत दीजिए।